हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सनस्क्रीन के बारे में शेयर करने वाली हूँ। सनस्क्रीन कौन सा अच्छा होता है, मतलब सनस्क्रीन अच्छा होता है या सन ब्लॉक क्रीम अच्छा होता है, और ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों को नहीं जानते हो सनस्क्रीन क्या है और सन ब्लॉक क्या है, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और हाँ, फुल वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि क्या मैं डिफरेंस बताने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हो फैमिली मेम्बर साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा डिले नहीं कर। फ्रेंड्स, सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है ये तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन अभी समर बहुत ज़्यादा, बहुत धूप है और समर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और हम लोग अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाना ही चाहिए, सभी लोग जानते हो। अगर जो लोग नहीं लगाते हैं ना सनस्क्रीन, तो स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है। अगर आप लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो सनस्क्रीन आप ज़रूर से ज़रूर लगाइए। अपनी कोई भी क्रीम में, अगर आप लोग कोई क्रीम लगा रहे हो उसमें भी अगर सनस्क्रीन है, तो फिर सनस्क्रीन ऐसे एज इट इज सिर्फ सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप लोगों की क्रीम में सनस्क्रीन है तो। और वो कौन से यूवी और मतलब कौन से एसपीएफ वाला है, तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 30 एसपीएफ है या फिर 50 एसपीएफ है, मैं तो अधिकतर अगर मैं बाहर जाती हूँ तो 50 एसपीएफ वाला ही लगाती हूँ, यूवी रेज वाला, या फिर बहुत तरह के आते हैं, आप डिसाइड कर सकते हो, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। और बहुत सी सनस्क्रीन ऐसी आती हैं जो कि आपकी स्किन को मतलब बहुत ज़्यादा बहुत वाइट कर देती हैं, या फिर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डल बना देती हैं, तो आप पहले सूट करिए, सूट कौन सा है सनस्क्रीन करता है। आप बहुत सारे सनस्क्रीन आते हैं मार्केट में और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। अब वैसे तो आपको जो लोग जानते हैं कि हम मुझे कौन सा सनस्क्रीन सूट करता है, तो आप वही सनस्क्रीन यूज़ करिए, कोई भी अलग अलग तरह की सनस्क्रीन यूज़ मत करिए फ्रेंड, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं ये भी बताऊँगी। और अगर आप मतलब सन के प्रोटेक्शन चाहते हो, सन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखना चाहते हो, सनस्क्रीन ज़रूर से ज़रूर लगाइए। आप कोई भी एसपीएफ वाला लगा सकते हो, चाहे 30 एसपीएफ, या फिर अपने डेली रूटीन में ये शामिल कीजिए कि सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है समर में। वैसे तो मैं विंटर्स में भी लगाती हूँ, अगर मैं धूप में जाती हूँ तो, या फिर धूप में बैठती हूँ विंटर्स में, तो मैं ज़रूर से ज़रूर लगाती हूँ सनस्क्रीन। और अगर मैं समर में कहीं जाती हूँ तो उससे पहले ही लगा लेती हूँ। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही सनबर्न की प्रॉब्लम होती है, टैनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और स्किन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए आपको सनस्क्रीन लगानी ज़रूर से ज़रूर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जो रेज होती हैं सूर्य की, सन की जो रेज होती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, उनसे अगर बचना चाहते हैं आप तो सनस्क्रीन या सन ब्लॉक क्रीम ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपकी जो भी अनइवन स्किन टोन हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एक्ने पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, डल हो जाती है, बहुत मतलब ग्लो तो एकदम गायब ही हो जाता है। अभी कोरोना चल रहा है, तो मोस्टली मैं तो यही कहूँगी कि अभी इस समय तो आप घर में ही रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। घर में ही रहकर पढ़ाई भी हो रही है और घर में ही सब कुछ हो रहा है, ऑफिस वर्क भी सब घर पर ही हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही है। तो घर पर भी मैं 30 SPF वाला यूज़ करती हूँ, जो भी अगर क्रीम है तो उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ, या फिर बीबी क्रीम लगा रही हूँ। वैसे तो डेली बेसिस पे मैं बीबी क्रीम, सीसी क्रीम नहीं लगाती हूँ, सिर्फ एक कॉम्पैक्ट से ही या फिर कोई भी लूज़ पाउडर से ही काम चला लेती हूँ, तो बस इतना ही करती हूँ मैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती। सनस्क्रीन लगाने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होने से बच जाती, डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं होती है। आप कहीं से आते हो तो आपको तुरंत के तुरंत अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो तो फेस को वॉश कर लोगे तो एकदम वैसे ही स्किन रहेगी। और हाँ, अगर आप ज़्यादा टाइम तक के, लंबे समय तक के लिए बाहर रहते हो तो सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। 50 SPF है तो 5 से 6 घंटे बाद लगानी पड़ेगी, या फिर आप अगर 30 वाली लगा रहे हो तो भी 4-5 घंटे बाद ही आपको लगानी पड़ेगी ही ज़रूर, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में जाते हो। क्यों ज़रूरी होता है सनस्क्रीन लगाना और धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन क्यों लगानी चाहिए, तो मैं बता दूँ कि उनसे पहले आपको झुर्रियाँ ना आ जाए, मतलब रिंकल्स ना आ जाए, आपको फाइन लाइंस और आपका जो स्किन टेक्सचर है, स्किन का कलर है, वो डैमेज ना हो जाए उसके लिए, और आपको बहुत सारे
कालापन नहीं आता है स्किन पर, मतलब आपकी स्किन अनइवन नहीं होती है, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा खिंची खिंची या फिर आपको रिंकल्स तो आ ही जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, या फिर आपको स्किन जैसे कहीं पर ब्लैक हो गया, कहीं पर वाइट वाइट सा है, पैचेस से पड़ जाते हैं, तो वो ना हो इस वजह से आप सनस्क्रीन ज़रूर से ज़रूर लगाइए। SPF क्या है? सनस्क्रीन लोशन का चुनाव करते समय, मतलब अगर चुन रहे हो आप सनस्क्रीन को, तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी SPF को ध्यान में रखते हुए ही आप सनस्क्रीन चुनिए, क्योंकि सकते हो कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट होगा और 30 SPF है या 50 SPF है कौन सा लेना चाहिए। और बहुत से लोग ना 15 SPF वाला ही लगाते हैं, जो कि वो भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप घर पर हो तो 15 SPF चल जाता है, और अगर आप 30 लगाते हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं 30 या 50 ही लगाती हूँ घर पर भी, क्योंकि बाहर कहीं जाना नहीं और फिर भूल भी जाते हैं घर पर लगाने के बाद, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, सुबह में लगा लिया फिर उसके बाद तो बार बार लगाते नहीं है, तो इसके बाद तो जब फेस को कभी भी वॉश करती हूँ उसके बाद फिर भी मैं सनस्क्रीन ही लगा लेती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन लगाने से ही अच्छा होता है, आपकी स्किन डैमेज नहीं होती है, आपको फाइन लाइंस और कोई भी मतलब दाग धब्बे की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, इसलिए सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सनस्क्रीन वो होती है जो आप 30 मिनट पहले लगाते हो, कहीं आप जा रहे हो उससे पहले आप 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा लेते हो, तो आपका जो सन के प्रोटेक्शन में आप आने वाले हो तो उससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होती है। और सन ब्लॉक वो होता है जो कि आप तुरंत जब जा ही रहे हैं, तुरंत आप कहीं बाहर भी जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो आपकी जो मतलब सनस्क्रीन का ही काम करता है वो, लेकिन अच्छा होता है सनस्क्रीन लगाना या सन ब्लॉक, दो एक ही चीज़ होती है, लेकिन सनस्क्रीन वो होती है जो आप 30 मिनट पहले लगाते हो, या फिर आप सन ब्लॉक वो होता है जो आपके तुरंत के तुरंत आप लगा लेते हो, अगर आपने मेकअप नहीं किया हुआ है तब आप सन ब्लॉक कर सकते हो, सन के प्रोटेक्शन में आओगे तो आपको कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी पता हो कि किस तरह से लग के क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं, तो आप दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आप कोई चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करना चाहते हो। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स, और हाँ प्लीज़, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, डिटेल में बता दूंगी। और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा मेरे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा फ्रेंड्स, तो उसको भी हिट कर देना, और जैसे आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, और आप चेकअप कर सकते हो। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।